लेबनान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा है। पहले पेजर ब्लास्ट और अब वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस यानी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में करीब 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह ब्लास्ट ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह एक दिन पहले पेजर में ब्लास्ट हुआ था। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्ला के कमांडरों ने वायर कम्युनिकेशन डिवाइस को हाथ में पकड़ा हुआ था और इसी दौरान इनमें धमाका हुआ। इससे पहले मंगलवार को भी करीब 1200 पेजर डिवाइस में ब्लास्ट हुआ था जिससे पूरे देश भर में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कम्युनिकेशन सेट लेबनान के दक्षिणी हिस्से और राजधानी बेरूत के दक्षिण क्षेत्र में फटे हैं। एक धमाका वहां भी हुआ जहां पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार चल रहा था। हिजबुल्लाह के लड़ाके वॉकी टॉकी इस्तेमाल कर रहे थे लेबनान में। इस ब्लास्ट से हिजबुल्लाह पूरी तरह से सहम गया है। बता दे कि 17 सितंबर को भी लेबनान और सीरिया के कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी। घायलों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के सदस्य हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ वो भी महज 5 महीने पहले ही खरीदा गया था। माना जा रहा है कि इन वॉकी टॉकी में भी पेजर की तरह ही प्रोडक्शन स्टेज पर ही इजरायली जासूसों ने विस्फोट चिप इंस्टॉल कर दी थी जिसे हैक करके यह धमाका फिर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला ने पेजर के बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट की घटना का बदला लेने की बात कही थी। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर ने इसे संगठन का बुरा समय बताया है लेकिन साथ ही कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इससे पहले हिजबुल्ला ने पेजर ब्लास्ट पर आधिकारिक बयान देते हुए के पीछे इजरायली खुफ एजेंसी मोसाद का हाथ बताया था और बदला लेने की बात कही थी। इस घोषणा के थोड़ी देर बाद ही वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह के धमकी देने के बाद इसराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसराइल ने लेबनान सीमा पर करीब 200 हद से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। यह तैनाती इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति की बुधवार सुबह टॉप सैन्य अफसरों के साथ मीटिंग के बाद की गई है। पहले पेजर और अब की टॉकी में ब्लास्ट से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी यह खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए